ये लोग जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे मुंह में कुछ आदत हो गई। आपको कैसा लग रहा है? मुंह में कुछ आदत है, बिल्कुल कोई मन नहीं है जाने का, लेकिन मेरे लिए जा रही है। इनको किडनैप करके लेके आए गए हैं। मेरे मुंह में तो गाइज यहाँ पे हम निकल गए हैं राफ्टिंग के लिए। कुछ टेम्पू था या पता नहीं क्या था, और आगे की साइड भी लोग बैठे हुए थे, पीछे की साइड ये स्पेस था। हम चारों यहाँ पे बैठ करके जा रहे थे। मेरे ब्रदर इन लॉ थे और मेरी कज़न थी, और बेटू जो थी वो हमने दादी के पास ही छोड़ा हुआ था देहरादून में। और हम आए थे यहाँ ऋषिकेश राफ्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पे बोट्स वगैरह जो थी वो उतारी जा रही थी, और हम 16 किलोमीटर आगे पीछे की तरफ गए थे क्योंकि हमें 16 किलोमीटर राफ्टिंग करते हुए दोबारा वहीं पे जाना था जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी थी। और ये कुछ सामान वगैरह था, मतलब जैकेट थी, हेलमेट था, जो कि हमें प्रिकॉशंस वगैरह दिए गए थे। गाइड ने काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पर समझाई थी, मतलब समझा रहे थे। पहले हमें ये जैकेट पहननी थी जो कि हमें डूबने नहीं देती है, और हेलमेट लगाना था, और साथ में वो जो बोट चलाने के देते हैं ना, कुछ उसका क्या नाम बताया था मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो सारी चीज़ें दी थी। और यहाँ से हमें रास्ता था बहुत ही पथरीला सा रास्ता था जिससे हमें नीचे जाना था। हमने शूज़ भी उतार दिए थे क्योंकि वहाँ पे फिर वो गीले हो जाते हैं, और पूरी अगर हम शाम तक शूज़ वगैरह पहन के बैठते तो फिर वो ठंड लग जाती, तो इसलिए हमने उतार दिए थे गाड़ी में ही। और हम बिना स्लीपर्स वगैरह पहने हुए आए थे, और यहाँ पे हमारी मतलब हेलमेट और जैकेट्स वगैरह सबको पहनाई जा रही थी। भैया जो थे ये गाइड थे, ये हमारे साथ चलने वाले थे, और मतलब अच्छे से ये रेडी कर रहे थे यहाँ पे, मतलब सारी चीज़ें जो थी वो अच्छे से लगा रहे थे ताकि लूज ना हो जाए बाद में चल करके। उन्होंने टाइटली होल्ड करा था यहाँ पे सारी चीज़ों को। ये राफ्टिंग के चार मेंबर, तीन ये, एक लौता मैं। वाह 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 वाह, आप दोनों चलाओगे यहाँ से? रिवर साइड जाना है, लेफ्ट साइड होके चलेगा। ओके, कंपनी की ओर से रिक्वायरमेंट्स दे रखे, आपको कहीं मिस नहीं करना है। और नीचे जाते हुए एकदम लास्ट में जाइएगा, ठीक है? हम बोर्ड लेके आ रहे हैं। चलो, यो यो यो। हेलो फ्रेंड्स, बोटिंग कर लो। नहीं नहीं, राफ्टिंग कर लो। दिल्ली की दो पागली लड़कियां उत्तराखंड में आई हैं। बहुत सारी हैं यहाँ। मम्मी चुप गया मेरे को। यहाँ हम राफ्टिंग करने वाले हैं। वो पहुँच भी गए। बहुत अच्छी राफ्टिंग होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। करो एक बार कैमरे की तरफ। रेडी है सब लोग? ओके गाइस, तो अभी आप लोगों के सामने आ रहा है गंगाघाट सेकंड फेजर रैपिड रैपिड का नाम है रोलर कोस्टर। सब लोग एक साथ पैडलिंग चलाना, और साउंड कोई नहीं करेगा, किसी को झटका लगेगा अपनी सीट पे तुरंत नीचे बैठ जाओगे तो तुरंत अपनी सीट पे बैठना नहीं, पैडल चलाना है। चलो फॉरवर्ड एक साथ, कम ऑन, मूव योर बॉडी, कम ऑन। अरे मुंह बंद करके रखो, हुआ नहीं। एक साथ कम ऑन, लाउडली गंगे मैया की। जैसी बोलूंगा गेट डाउन, तुरंत अपनी सीट पे नीचे गेट डाउन। चलो एक साथ फॉरवर्ड फर्स्ट, एक साथ फर्स्ट, पत्थर पे टकराएंगे। एक साथ चलाओ फॉरवर्ड। ओके स्टॉप, इधर देखो कैमरे की तरफ, कैसा लगा ये रैपिड? ओके
देखना बॉडी मूव करके। ओके स्टॉप। मजा आया। ये वही कह रहा है कि अब इसके कहने का मतलब ये है कि हंसी मजाक बंद, आगे मेजर रैपिड है, ठीक है, ये जीरो। चलो एक साथ फॉरवर्ड, कम ऑन। चोट लग जाएगी। ओके स्टॉप, कम ऑन फॉरवर्ड। एक साथ पावर लगा के कम ऑन, मजा आएगा। पानी कम हो रखा है ना मैडम, नहीं तो ये रैपिड बहुत डेंजर डेंजर है। नहीं नहीं अभी है, आगे डेंजर तो खत्म हो गया है ना। कम ऑन रेडी, 1 2 3 गो। अंदर नहीं बाहर कूदना है। जाओ जाओ जाओ, और कौन जा रहा है नेक्स्ट? अरे किसी को नहीं आती यहाँ पे। जाओ 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 जाओ, कम ऑन। आराम से शीतल देवी। जाओ 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 जाओ, कौन जा रहा है? और रस्सी, ओए रस्सी दूर पकड़ो। अरे मैडम
उसके बाद यहाँ पे बज गए थे शाम के 6-7 बज गए थे, और राफ्टिंग से वापस आते आते जहाँ पे मतलब हमारी गाड़ी वगैरह थी वहाँ से आते आते हमें बहुत लेट हो गया था, रात हो गई थी और पूरा गीले कपड़ों में काफ़ी देर रहने से ठंड से हालत हो गई थी हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब। तो इसलिए मैंने फिर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा था। पर रास्ते में हम हल्का फुल्का यहाँ पे हल्का फुल्का नहीं प्रॉपर डिनर के लिए रुके थे क्योंकि देहरादून जाने में अभी टाइम लगने वाला था। एरोदून करके रास्ते में एक रेस्टोरेंट था तो सबका मन हुआ कि चलो यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं, तो हम यहाँ पे आ गए थे। और तो मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि मेरी हालत ठंड से बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। बस हमने यहाँ पे हल्का फुल्का नहीं प्रॉपर डिनर करा और हल्की फुल्की क्लिप्स ली थी, और बस उसके बाद मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं करा था। बेटू भी मेरा घर पर वेट कर रही थी। और बस आज का व्लॉग जो है वो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपने ये व्लॉग इन्जॉय करा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। जल्दी जाने की जल्दी हो रही थी, घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे क्योंकि बेटू जो थी वो हमारा वेट कर रही थी, अब उससे रुका नहीं जा रहा था और उसकी थोड़ी तबीयत भी हल्की फुल्की ठीक नहीं थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो बाय गाइज़।